तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे इस पेज से कैसे आप नाव बनाएंगे। बोट बनाना है आपको, बहुत इजी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। करना क्या है आपको, पहले देखिए इस पेज को, आपको पहले यहाँ से इस वाले पॉइंट से आप मिला दीजिए, यही वाला पॉइंट फर्स्ट एंड सेकेंड, ये ऊपर वाला पॉइंट को आपको ऐसे मिलाना है। यहाँ पर मिलाइए, बहुत ही सावधानी से मिलाइएगा। ये हो गया, इसको मिलाने के बाद आपको ऐसे, ये देखिए, फिंगर से ऐसे प्रेस कर दीजिए यहाँ पे। ये हो गया, इसको यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए, यहाँ से इसको हम यहाँ पर मिला देंगे। ये हम यहाँ पर मिलाएंगे इसको, ये हमने यहाँ तक मिला दिया। ये देखिए, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए, ये बीच वाला पोर्शन बन रहा है और यहाँ पर भी ऐसे बन रहा है, ये देख लीजिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ से जो है इसको पॉइंट को यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है। ये जो निशान हमने बनाए हैं वहाँ तक ले जाना है आपको। ये हो गया, फिर सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे रिपीट करना है। यहाँ पे रिपीट कर दीजिए, ये यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको दो पेज दिखेगा। देखिए, एक ये दिख रहा है ऊपर वाला, एक नीचे वाला। ये इसको क्या करना है, जो अपर वाला है इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये हमने यहाँ तक फोल्ड कर दिया। ये फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे पलटना है, फिर यहाँ से इसको फोल्ड कर देना है। ये एक बराबर में रहना चाहिए बच्चों। ये हो गया, इसको फोल्ड करिए, यहाँ पे इसको बढ़िया से दबा दीजिए। ये हो गया। अब देखिए, इस तरह हमारा ये शेप बन रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से ऐसे पकड़ना है, बीच वाले पोर्शन को आपको ओपन करना है। ऐसे ओपन करिए, आराम से ओपन करने के बीच में देखिएगा कि जो थोड़ा सा उभर जाता है उसको थोड़ा सा ऐसे उंगली डाल के आप इसको बराबर कर देंगे। ये हो गया। इसको करने के बाद ये वाला पोर्शन आपको यहाँ अंदर करना है। देखिए, इसको अंदर यहाँ से दबा देंगे, ये अब नहीं निकलेगा। देखिए, यहाँ पे जैसे ये निकला हुआ है थोड़ा सा, ये चीज़ आप ऐसे अंदर कर देंगे तो नहीं निकलेगा। यहाँ तक तो हो गया हमारा, ये पोर्शन हमने यहाँ तक खोल दिया। अब ये खोलने के बाद आपको इसको ऐसे मिला देना है, ये वाला पोर्शन और ये वाला, यहाँ से ऐसे मैच करना है। ये हो गया। यहाँ पर मैच करने के बाद अब आपको जो ये बीच में खुला हुआ पोर्शन है, ये देख रहे हैं ना, बीच में गैप है, यहाँ से आपको इसको अंदर की तरफ ले जाइए। यहाँ पे ये यहाँ पर मिला दीजिए, यहाँ पर हमने मिला दिया। अब सेम प्रोसेस इधर भी वाले पोर्शन को करना है, यहाँ से ऐसे पलट दीजिए, यहाँ पर भी कर दीजिए। ये हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट कर देना है। ये करने के बाद अब आपको बीच वाला पोर्शन ऐसे ओपन करना है। ये ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद अब आप ऐसे फिर से आप ऐसे ले जाइए, फिर से आप यहाँ से ऐसे करिए। ये हो गया। अब देखिए, इस तरह हमारा ये पोर्शन दिख रहा है, ये देखिए। अब इसको हम खोल देंगे तो ये हमारा नाव रेडी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। ये इसको हम ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐसे दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे आराम से जो है ऐसे खींच देंगे। ये देखिए, खींचने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐसे मिला देना है। यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। ये हो गया। ये देखिए, बीच वाला पोर्शन ऐसे कर दीजिए। ये हमारा नाव रेडी है और इस नाव पे ये हमारी सवारी है। इसको हम सवारी मान लीजिए। इसको हम बैठा देंगे यहाँ पे ऐसे, वाटर में जो है आप डाल देंगे तो ऐसे तैरने लगेगा। तो ये हमारा नाव रेडी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिएगा। ये देखिए, नाव हमारा रेडी हो गया है। ये ऊपर से भी दिखा देते हैं। ये देखिए, इसको आप वाटर में डाल देंगे। छोटा छोटे चींटियों को मत डालिएगा बच्चों, क्योंकि उसके भी जीवन होता है, उसको परेशान मत करिएगा। इसको ऐसे नॉर्मली ऐसे छोड़ दीजिएगा तो पानी में बहने लगेगा। थोड़ा सा यहाँ से भी ऐसे फैला दीजिए बीच वाला पोर्शन, तो और अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये देखिए, बीच वाला जगह भी बन गया। ये यहाँ से अब आसानी से जाएगा ये नाव।